अपना अपना मताधिकार दे करके छीन लेंगे। जब तक कब्जा नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को चिल्लाने करने ने लड़ाई दंगा प्रसाद और धरना प्रदर्शन करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो सब जिस तरह से हम लोग पर कोड़ा बरसाता है हम लोग भी उस पर कोड़ा बरसाने के लायक हो जाएंगे। तब हम लोगों को 90% की हिस्सेदारी का हक बाखूबी मिल जाएगा। इसकी तैयारी 24 में होनी चाहिए। हम लोग 85 ही नहीं 90% की आबादी रहने के बावजूद भी हम लोग एकजुट नहीं हैं। इसी का मलाल है कि हम लोग टुकड़ियों में बंधे हुए हैं, बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और पग पग में, घर घर में, टोले कस्बों में भी बटे हुए हैं। इसी का फायदा उठा रहा है ये 10% आबादी वाले लोग। हमारे अंबेडकर साहब का इशारा है, हर बुक पे, संविधान के बुक पे भी इशारा है, हर स्टैचू में इशारा है। वह एक अंगुली उठा के इशारा करते हैं, संसद की ओर दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? संविधान में सब लिखी बातें हैं, सभी अधिकार को लिखे हैं। आज उन्हीं के बदौलत हम लोग यहाँ भी पंचासीन भी हैं, लेकिन उस अधिकार पर हम लोग अभी कब्जा नहीं कर पाए हैं। आप जानते हैं कि संसद के मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार दिए और वोट के माध्यम से लोग संसद में पहुंचते हैं और संसद में पहुंचने के बाद राज्यसभा का मेंबर नियुक्त करते हैं। स्टेट में विधानसभा में पहुंचते हैं वोट के माध्यम से और विधानसभा पहुंचने के बाद विधान परिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। तो राज्यसभा और विधान परिषद ये स्थायी सदस्य होते हैं सदन के, और लोकसभा और विधानसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो 5 साल पे नियुक्त होते हैं। अगर ये चारों सीट पर हम लोग जब तक कब्जा नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को चिल्लाने करने ने लड़ाई दंगा प्रसाद और धरना प्रदर्शन करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और आप जानते हैं कि विधायपालिका सर्वोपरि है। जब विधायपालिका पर आप कब्जा कर लीजिएगा तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पर भी कब्जा करने में कोई देरी नहीं लगेगी। और जब ही सब पर कब्जा हो जाएगा तब माई का लाल कोई भी नहीं है। वो सब जिस तरह से हम लोग पर कोड़ा बरसाता है हम लोग भी उस पर कोड़ा बरसाने के लायक हो जाएंगे। लेकिन इसकी आवाज हम लोग को गांव कस्बे तक जाना चाहिए, दूर दुनिया में जाना चाहिए, हर स्टेट में जाना चाहिए, कोर कमेटी बननी चाहिए, नेशनल कमेटी बने, कोर कमेटी स्टेट का बने और इसी बैनर को हम लोग बुलंद करें। तब हम लोगों को 90% की हिस्सेदारी का हक बाखूबी मिल जाएगा। हम लोग बाखूबी इसमें लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 554 सीट है तो 554 सीटों पर हम चाहते हैं कि इस बैनर तहत चुनाव लड़ा जाए लोकसभा का। इसकी तैयारी 24 में होनी चाहिए और 24 कोई ज्यादा दिन नहीं है। अगर इसकी तैयारी हो गई तो 524 सीट पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, अगर 350 भी आ जाते हैं तो 543 हम लोग 90% आबादी इस पर राज करेंगे।